सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा एक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाठ 13 रेडियो, पाठ 14 छुक छुक रेल का दोहराव करेंगे। बच्चों, आप बता सकते हैं ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही, ये रेडियो है। इसके द्वारा हम देश विदेश के समाचारों को सुन सकते हैं, नेताओं के भाषण, नाटक, कहानियां और फिल्मी गाने सुनते हैं और अपना मन बहलाते हैं। आज हम इनके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न एक, इन प्रश्नों के उत्तर दे। क, रेडियो किसकी देन है? प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझकर इसके अनुसार उत्तर देना है। उत्तर क्या होगा? रेडियो विज्ञान की देन है। रेडियो विज्ञान की देन है। उत्तर लिखने के बाद है के बाद पूर्ण विराम देना है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, लिखते समय कुछ छूट जाता है, इसलिए हमें एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। आगे हम देखेंगे। आजकल हम किस पर रेडियो सुन सकते हैं? आजकल हम किस पर रेडियो सुन सकते हैं? आजकल हम मोबाइल फोन पर रेडियो सुन सकते हैं। आजकल हम मोबाइल फोन पर भी रेडियो सुन सकते हैं। पुनः दूसरा प्रश्न, शब्दार्थ लिखे का मतलब है शब्दों के अर्थ को लिखना है। समाचार का अर्थ क्या है? खबर या हाल, खबर। मनोरंजन का अर्थ होता है दिल बहलाना, जैसे हम लोग गाना गाकर दिल बहलाते हैं। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों को चुनकर खाली जगह भरे। यहां पर शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर यहां आपको भरना है। क, रेडियो डैश की देन है। क्या होगा? भाषण के विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान पर हम टिक लगाएंगे और यहां से देखकर हम विज्ञान लिखेंगे ताकि आपका स्पेलिंग गलत ना हो। वह शिकार ज्ञा आकार दंतना, विज्ञान। ख, रेडियो से हम नेताओं का डैश सुनते हैं। क्या सुनते हैं? गुड, भाषण। वह आकार, भ का ऊपर का सिरुरेखा यानी इसके ऊपर में खुला रखना है, मूर्धन्य ष, मूर्धन्य ण। अब हम छुक छुक रेल कविता का दोहराव करेंगे। बच्चों, ये क्या है? यह रेलगाड़ी है, छुक छुक और धड़धड़ करके चलती है,
और हम लोगों को नई जगहों की सैर कराती है। पहला प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी करें। कविता की पंक्तियां पूरी करने के लिए आपको कविता को अच्छी तरह याद करना है, तभी आप कविता की पंक्तियां पूरी कर पाएंगे। दूर दूर की क्या कराती, सैर, सैर। कराती, कराती के बाद आपको कॉमा यानी कि हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं लगाना है। डैश डैश दिखलाती रे, नई जगहें, नई जगहें। अनुस्वार अच्छी तरह लगाओगे। दिखलाती रे, सीटी बजाती चलती रेल, यहां पर अल्प विराम लगाएंगे। छुप छुप के बीच में क्या है, संयोजक रेखा देना है। छुप छुप करती चलती रेल, पूर्ण विराम लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। क, रेलगाड़ी कहाँ की सैर कराती है। रेलगाड़ी नई जगहों की सैर कराती है। रेलगाड़ी नई जगहों, अनुसार अच्छी तरह लगाओगे, की सैर कराती है। उत्तर के अंत में पूर्ण विराम देना है। रेलगाड़ी कैसे चलती है। रेलगाड़ी छुक छुक और धर धर करके चलती है। रेलगाड़ी अड़ा अच्छी तरह रखो। रेलगाड़ी छुक छुक, छुक छुक के बीच में संयोजक रेखा। रेलगाड़ी छुक छुक और धका मुंह खुला, धड़ धका ऊपर का सिर रेखा खुला, ये खुला रहना है। धड़ 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 के बीच में संयोजक रेखा देना है। रेलगाड़ी छुक छुक और धड़ धड़ करके चलती है के बाद पूर्ण विराम। बच्चों, आपके वेबसाइट पर वर्कशीट दिए जाएंगे, आपको अच्छी तरह अभ्यास करना है। अभी आपने जो दोहराव कार्य किया वो प्रश्न पत्र के आधार पर है, लेकिन आजकल आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के बाद चार ऑप्शन दिए जाते हैं, सही ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। धन्यवाद।